बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर SST में आप लोग पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा। और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हम लोग इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी डिस्कशन कर रहे हैं आज। तीसरा जो हमारा तीसरी इंडस्ट्री है वो पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मतलब मवेशियों से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। एनिमल्स जो हैं वो भी कई इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल फ्राहम करते हैं। लेदर एंड वुलन इंडस्ट्रीज आर टू सच इंडस्ट्रीज। लेदर आपको पता है जानवर से मिलता है हमें चमड़ा, इसी तरह से वूल जो है वो शीप से हमें वूल हासिल होती है। तो ये चीज़ें लेदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, और वूल जो है उससे स्वेटर और ऊन स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ पेस्टोरल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री में लेदर वर्क्स डिस्कस करेंगे हम। वी हैव ग्रेट टैलेंट इन मेकिंग डिफरेंट हैंडमेड प्रोडक्ट्स। पाकिस्तानी जो लोग हैं हम लोग, हमारे पास एक अच्छा फ़न है कि हम लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हाथ से चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पाकिस्तान में जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेदर इज़ चीप एंड इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी दैन यूरोप एंड अमेरिका। अब पाकिस्तान में जो लेदर है वो यूरोप और अमेरिका का जो लेदर है उसकी निस्बत सस्ता भी है और क्वालिटी में भी बहुत आला है। देयर फॉर द लेदर प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान होल्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर मार्केट। अब ये जो कंट्रीज डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर पाकिस्तान के लेदर से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फरोख्त होती हैं, उनका काफ़ी वहाँ पर शेयर है। मतलब वो काफ़ी मिकदार में वहाँ पर बिकती हैं और लोग पसंद करते हैं। मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं लेदर से रिलेटेड वो यूरोपियन कंट्रीज़ में पसंद की जाती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वुलन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये भी आपका पेस्टोरल बेस्ड ही एक मटेरियल है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर वॉज ओनली वन वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। नाउ देर आर 70 यूनिट्स वर्किंग इन पाकिस्तान। और आज के पाकिस्तान में 70 यूनिट लगे हुए हैं जो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से काम रिलेट कर रहे हैं। इन द हिली एंड सैंडी एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो हिली पहाड़ी और रेतले इलाके हैं, शीप एंड गोट्स आर रेयर। वहाँ पर भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं। फ्लीस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। अब उनसे क्या हासिल हो रहा है, फ्लीस उनसे गेन की जा रही है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ इट। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ इट। उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसमें क्या क्या शामिल है, सच एज शॉल्स स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स। जी बेटा हमारा लास्ट जो है लास्ट जो हमारी इंडस्ट्री है अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इन दीज इंडस्ट्रीज मतलब ज़राअत से रिलेट कर रही है जो इंडस्ट्री उसके बारे में अब हम बात करेंगे। इन दीज इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। इन इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के काम आ रही है। द बेस्ट फॉर्म आर द कॉटन शुगर एंड टोबैको इंडस्ट्रीज। अब बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं उसकी जो बहुत ज़्यादा आला क्वालिटी में हमारे पास बन रहा है वो कॉटन है, शुगर है और टोबैको की इंडस्ट्रीज हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क है और इस हिसाब से इस यहाँ पर जो कपड़ा बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। अब कॉटन इंडस्ट्री क्या है, कॉटन इंडस्ट्री इज़ कॉन्सिडर्ड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। कॉटन की जो इंडस्ट्री है, कपास से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो बैकबोन है ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है।
अब यहाँ पर धागा बनाने से लेकर कपड़ा बनाने तक तमाम काम इस इंडस्ट्री में आ रहा है। ड्यू टू द सरप्लस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉटन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चूंकि आला क्वालिटी की कॉटन पाई जाती है, वी प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी थ्रेड एंड फैब्रिक। तो यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का धागा, थ्रेड, धागा एंड फैब्रिक और कपड़ा बनाया जाता है। पाकिस्तान नॉट ओनली मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल, पाकिस्तान न सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरत को पूरी करता है, बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ कॉटन इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। बल्कि क्या होता है कि लार्ज पार्ट ऑफ कॉटन, एक बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे ममालिक को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर देता है। पाकिस्तान अर्न्स अबाउट 60% ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग कॉटन थ्रेड एंड फैब्रिक। अब 60% जो फॉरेन एक्सचेंज है, ज़र मुबादला है, वो पाकिस्तान किस चीज़ से कमा रहा है? कॉटन थ्रेड और फैब्रिक बेचकर। नेक्स्ट है शुगर मिल्स। देर आर 78 शुगर मिल्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 78 शुगर मिल्स काम कर रही हैं। आउट ऑफ दीज 40 इन द पंजाब, अब उन 78 में से 40 पंजाब में हैं, 32 इन सिंध एंड 6 आर वर्किंग इन खैबर पख्तूनख्वा। लॉट ऑफ शुगर केन इज कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गन्ना कल्टिवेट किया जाता है, काश्त किया जाता है। देयर फोर देर आर प्लेंटी ऑफ शुगर मिल्स हेयर, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी मिकदार में शुगर मिल्स हैं। दीज शुगर मिल्स कैन प्रोड्यूस अप टू 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर, यहाँ पर 5 मिलियन मेट्रिक टन शुगर प्रोड्यूस की जाती है। दिस अमाउंट इज़ मोर देन एनफ फॉर द लोकल रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो मिकदार है ये हमारी जो मुकामी ज़रूरत है, मतलब हमारे पाकिस्तानी अवाम को जितनी मिकदार में शुगर चाहिए वो इससे ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको बाहर के ममालिक को बेच देते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट जो हम इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे वो घी एंड ऑयल इंडस्ट्री है। घी एंड ऑयल आपको पता है हमारी एक बहुत बेसिक नीड है, खाना पकाने के लिए हमें सबसे पहले घी और ऑयल चाहिए, और पाकिस्तानी खाने तो वैसे ही इसके बगैर नहीं पकते हैं। तो चलें अब हम इसको पढ़ लेते हैं। द घी एंड ऑयल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन आर इन एनी कंट्री। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क में घी और ऑयल की इंडस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज फूड इज़ कुक्ड इन घी और ऑयल। छोटी सी एक मेन सी बात है कि खाना जो है वो घी और ऑयल में पकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। घी एंड ऑयल आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे हैं उनके बीजों से घी बनाया जाता है, सच एज कॉर्न एंड सनफ्लावर। सिंस पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, देर आर 166 घी एंड ऑयल फैक्ट्रीज हेयर। तो पाकिस्तान में 166 घी एंड ऑयल फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग 2.7 मिलियन टन्स ऑफ घी एंड ऑयल एनुअली। अब सालाना यहाँ पर 2.7 मिलियन टन्स घी प्रोड्यूस हो रहा है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी चूंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस वजह से द डिमांड ऑफ द घी एंड ऑयल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इन इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, मतलब या तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए या फिर इंडस्ट्रीज़ और लगाई जाएँ ताकि अवाम जो है मुल्की ज़रूरियात के लिए, अवाम के लिए ये घी पूरा अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अद्वियात से मुतलिक इंडस्ट्री जो लगाई जाएगी उसको डिस्कस करेंगे। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ अ लाइफ सेविंग इंडस्ट्री, जिंदगी बचाने वाली इंडस्ट्री है इन एनी कंट्री, किसी भी मुल्क में दवाइयों से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो लाइफ सेविंग इंडस्ट्री होती है। दे मेक मेडिसन फॉर डिफरेंट डिजीज, वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। देर आर 23 इंटरनेशनल एंड ओवर 300 लोकल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अब आपकी बुक में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 23 जो हैं वो मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज दवाइयाँ बना रही हैं और 300 लोकल जो हैं मुकामी कंपनीज हैं वो दवाइयाँ बनाने का काम कर रही हैं। इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ सच इंडस्ट्री इन एनी कंट्री। अब
इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे ये काम कर रही है, तो इससे क्या शो हो रहा है कि ये इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। जी बेटा, रीडिंग का हमारा लास्ट पॉइंट है टी। द ओरिजिन ऑफ टी वॉज इन चाइना। चाय का आगाज़ कहाँ से हुआ? चाइना से हुआ। बट नाउ इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब ये पूरी दुनिया में उगाई जाती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन द माउंटेन्स। सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय कहाँ पे उगती है? माउंटेन्स पे, वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा मिकदार में बारिश होती है। द स्मॉल, अब वो टी की क्वालिटीज आपको बताने जा रहे हैं। द स्मॉल अपर लीव्स ऑफ द प्लांट आर नोन टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी। जो ऊपर वाली नई नई कोंपलें जब होती है ना, वो कह रहे हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी की टी होती है। वेयर इज द बिगर लीव्स एट द बॉटम, जबकि जो नीचे वाले पुराने पत्ते होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, वो प्रोड्यूस लो क्वालिटी टी। तो उससे थोड़ी सी डाउन क्वालिटी की टी, लो क्वालिटी की चाय बनती है। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी। अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है, पूरी मुस्लिम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया की चाय का 15% पैदा किया जाता है। 15% वहाँ पर पैदा हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है। दीज बींग मेनली बांग्लादेश, इंडोनेशिया। अब ये इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, कौन से हैं ये ममालिक? बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ईरान है एंड तुर्की, और तुर्की है। देर आर वेरी फ्यू प्लांटेशन ऑफ टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टी के जो जंगलात हैं, चाय के जंगलात हैं, वो बहुत थोड़े से हैं। कम मकदार में टी प्लांटेशन होती है पाकिस्तान में। इट इज़ मेनली इम्पोर्टेड फ्राम डिफरेंट कंट्रीज। ये ज़्यादातर हम लोग मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैं फिर से बताती जाऊँ कि ये डेली बेस्ड आपकी डायरी है। जितनी भी इसमें आज ब्लैंक्स और हाईलाइटेड वर्ड्स आए हैं डिक्टेशन के, वो सब आपने याद करके लिखने हैं। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपने डेली याद करके लिखना होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।